दोस्तों, इस शो के जरिए हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने जॉइंट्स को पहचानें, हमारे शरीर के अंदर जो बोन्स का एक वर्ल्ड है उसे नजदीकी से समझ पाएं। और इसी मकसद के तहत इस शो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्पाइन। क्या होती हैं स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्या इन्हें कंट्रोल में लाया जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हु स्पेशलाइजेस इन स्पाइनल सर्जरीज, डॉक्टर सतीश मूथा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू अंकिता। वेल, हम बात करने वाले हैं अबाउट स्पाइन। स्पाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो मैं जानना चाहूंगी, एक टर्म है जो मैंने काफी सुनी है, स्पॉन्डिलोसिस। सो व्हाट इज स्पॉन्डिलोसिस? स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली मींस डीजेनरेशन। Okay. जैसे शरीर के अन्य हिस्सों में उम्र के कारण कुछ बदलाव आते हैं, वैसे ही अपने स्पाइनल कॉलम में भी कुछ चेंजेस आते हैं, विच वी कॉल एज द चेंजेस ऑफ वेयर एंड टेयर और डीजेनरेशन। इसके लिए यह वर्ड स्पॉन्डिलोसिस यूज किया जाता है। यह मुख्य बदलाव स्पाइन के इन दो हिस्सों में आता है जिसे हम फैसेट जॉइंट्स कहते हैं, और इस डिस्क में। इस डीजेनरेशन के कारण मरीज को बैक पेन महसूस हो सकता है, लेकिन इन मोस्ट पेशेंट्स द बैक पेन इज नेवर सिग्निफिकेंट। ओके। एंड इट कैन बी इजीली मैनेज्ड विद प्रॉपर बेल्ट्स, एक्सरसाइजेस एंड मेडिकेशंस। तो ये डीजेनरेशन कौन से एज ग्रुप से शुरू हो जाता है? मैन स्टार्ट्स एजिंग व्हेन ही स्टॉप्स ग्रोइंग, सो डीजेनरेशन स्टार्ट्स एट 20। But most of these pains are seen in the age group of 50 and above. Okay, okay. So my next question would be, what are the treatments possible for spondylosis or degeneration? See, we have a variety of treatments available. The basic treatment that is used for such pains is, one, use of belts and braces. Okay, support dene ke liye. Yeah. Okay. Second is medications aimed at relieving pain, दर्द कम करने के लिए, जिन्हें हम pain killers कहते हैं, जिनका हम use discourage करते हैं। हाँ, क्योंकि उनसे situation संभलती नहीं है, सिर्फ दर्द कम होता है। जी। और उनके side effects भी काफी होते हैं। जी। लेकिन bone quality improve करने के लिए कुछ medications जैसे calcium supplements जरूरी होते हैं senior citizens में, उनका लेना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्सरसाइजेस, जिसे हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस से आपका 90% बैक पेन कंट्रोल में रह सकता है, और आप उसका प्रोग्रेशन या वर्सनिंग चेक कर सकते हो। तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं आपके हिसाब से जो एल्डरली लोगों को लेने चाहिए, सो दैट स्पाइनल इंजरीज कम हो और कंप्रेशन के जो फ्रैक्चर्स हैं वो कम हो? सी, एल्डरली पीपल में दो तीन चीजें होती है जिनके कारण उन्हें चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक तो होती है उनकी बोन क्वालिटी विच इज पुअर। सेकेंड, उनमें काफ़ी लोगों में विजन पुअर होता है बिकॉज ऑफ एज। और तीसरा, हम देखते हैं आजकल हमारे घरों में मार्बल और ग्रेनाइट जैसे स्मूथ फिनिश टाइल्स का यूजेज ज़्यादा है, जिसमें अगर पानी भी गिरा हो तो नज़र नहीं आए और गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो पुअर विजन, पुअर कंट्रोल कंबाइंड विद सच सर्फेसिस, इनके गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और गिरने के बाद जो उनको स्पाइन में फ्रैक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम कंप्रेशन फ्रैक्चर्स कहते हैं, उनसे मॉर्बिडिटी काफ़ी बढ़ती है, उन्हें काफ़ी समय तक बेडरिडन होना पड़ता है, और ओवरऑल हेल्थ भी सफ़र करता है। डॉक्टर साहब, योगा तो वैसे ही बहुत फेमस है हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। तो योगा और फिजियोथेरेपी के कॉम्बिनेशन में ऐसी क्या वो एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करनी चाहिए टू स्ट्रेंथन आवर बैक? आई एग्री विथ यू अंकिता। एक्सरसाइजेस खास करके हमारे योगा में कुछ कुछ स्टेप्स, आसन ऐसे हैं जो हमारे बैक के रिहैबिलिटेशन में काफ़ी यूजफुल होते हैं। बट एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट कि एक्सरसाइजेस सभी लोगों के लिए जनरल एक्सरसाइजेस नहीं होते हैं। हर मरीज की कुछ अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, हर मरीज में कुछ डेफिशिएंट मसल्स होते हैं, और हर मरीज को अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके
उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस टेलर करने पड़ते हैं okay. जो उसे हेल्प करते हैं, ना कि जनरल एक्सरसाइजेस. सो कैन वी सी अ फ्यू? आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शो यू सम वेरी यूजफुल डे टू डे एक्सरसाइजेस टू रिलीव बैक पेन. डेफिनेटली. दोनों पैर को मोड़ना है, दोनों पैर को एक तरफ लेके जाना है, मुंह को दूसरी तरफ लेके जाना है, पैर को वो तरफ लेके जाके मुंह ऑपोजिट साइड, पैर को इस तरफ लेके आओ, मुंह को उस तरफ, पैर को उस तरफ लेके जाओ और सीधा. इसके बाद पैर को 90 डिग्री में बेंड रखना है और दोनों एक एक तरफ, दोनों पैर एक एक साइड लेके जाना है. फर्स्ट टू द राइट एंड देन टू द लेफ्ट. अगेन इन द सेंटर, राइट एंड देन लेफ्ट. अगेन इन द सेंटर. इसके बाद एक पैर सीधा, एक पैर को दोनों हाथों से पकड़ना है एंड अपनी तरफ खींचना है. होल्ड फॉर 10 seconds. रिलैक्स स्ट्रेट. वापस पैर को मोड़ो, अपनी तरफ खींचो, 10 seconds के लिए होल्ड करो, फिर सीधा. दोनों पैर को अपनी तरफ खींचो, 10 seconds के लिए होल्ड करो, सीधा. पैर को अपनी तरफ खींचो, 10 seconds के लिए होल्ड करो, सीधा. करवट बदलो, ऊपर वाला पैर आगे रखो, नीचे वाला सीधा, नीचे वाले पैर को ऊपर उठाना है, 5 seconds के लिए होल्ड करो, नीचे. वापिस पैर को घुटने से बिना मुड़े ऊपर उठाओ, 5 seconds के लिए होल्ड करो, नीचे. पेट पे लेटना है, दोनों हाथ बाजू में और हाथ के सपोर्ट से ऊपर आना है. होल्ड करो फॉर 10 seconds, देन रिलैक्स डाउन. अगेन ऊपर आ जाओ और ऊपर और ऊपर और ऊपर. होल्ड करो फिर नीचे. वेल डॉक्टर साहब, यू नो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है प्रेगनेंसी. यू नो इट्स अ बिग चेंज किसी भी औरत की ज़िंदगी में, शरीर में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं. तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे भी फ़र्क पड़ता है? यस डेफिनेटली. प्रेगनेंसी के लास्ट 3 months में बढ़ते हुए बेबी को एकोमोडेट करने के लिए हमारे स्पाइन और पेल्विस में काफ़ी चेंजेस होते हैं. जी, काफ़ी मसल्स और लिगामेंट्स में चेंजेस होते हैं. जी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ इन सब मसल्स और लिगामेंट्स का अपने पुराने स्टेटस, पुराने टेंशन, पुराने स्ट्रेंथ में रेस्टोर होना बहुत ज़रूरी होता है टू हैव अ हेल्दी बैक फॉर द रिमेनिंग लाइफ. ओके, सो मतलब ये जो 3 महीने हैं डिलीवरी के बाद के, ये जिंदगी भर के लिए इम्पोर्टेंट हैं. यस, दिस 3 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पीरियड फॉर अ हेल्दी बैक फॉर दैट वुमन. और इस दौरान उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करने बिल्कुल ज़रूरी है ताकि वह इस चीज़ को एक्सपीडिएट कर चुके. लेकिन हम सब लोग चाइल्ड बर्थ की खुशी में इतने मशगूल होते हैं एंड वी आर सो हैप्पी एंड लॉस्ट विद दिस दैट वी पे नो अटेंशन टू दिस थिंग. तो क्या आप इसमें भी फिजियोथेरेपी और योगा रिकमेंड करते हैं? इट हैज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल. सो किस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं पोस्ट डिलीवरी? पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइजेज आर बेसिकली टारगेटेड
फॉर एब्डोमिनल एंड पेल्विक मसल्स? वेल सर, स्पाइनल सर्जरीज की जहाँ तक बात है, यू नो कंसिडरिंग की स्पाइनल सर्जरी एक बहुत बड़ी सर्जरी मानी जाती है, तो क्या कुछ मिनिमल इन्वेजिव तकनीकें हैं जिससे कि हम बैक एक रिलीव कर सकें? हाँ अंकिता जी, पिछले 10 सालों में स्पाइनल सर्जरी में बहुत सारी चेंजेस आई है और मिनिमल इन्वेजिव अप्रोचेस हैव टेकन अ बिग प्लेस इन स्पाइनल सर्जरी। ओके, इसके कारण हमारी प्रोसीजर्स काफ़ी ईज्ड आउट हो गए हैं, हमारा सर्जिकल टाइम रिड्यूस हो गया है, सर्जरी के वक्त होने वाला ब्लड लॉस और टिश्यू डैमेज भी काफ़ी मिनिमाइज हो गया है, और इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिलता है हमारे पेशेंट को, क्योंकि अब वो सर्जरी के बाद ऑलमोस्ट 48 आवर्स में धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बट रिजल्ट वाइज आर दे इक्वली गुड? दे आर सुपीरियर। सेकेंडली, यू नो स्पाइनल सर्जरी से ऑब्वियसली सबको डर लगता है, बट एज अ टेक्नीशियन अगर मैं चाहूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कहें कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सो हाउ वुड यू से अबाउट इट? जब हम किसी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें पहला सवाल यह पूछा जाता है कि वो ऑपरेशन के बाद कभी फिर खड़े होंगे? एग्जैक्टली जी। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। स्पाइन सर्जरी इज अ एज ओल्ड सर्जरी, दे हैव बीन टाइम टेस्टेड एंड दे हैव द रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली ग्रेटिफाइंग इन अ प्रॉपरली सिलेक्टेड पेशेंट। एक और चीज सुनने में आती है डॉक्टर साहब, स्पाइनल इंजेक्शंस, तो ये स्पाइनल इंजेक्शंस क्या होते हैं? जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पाइन इम्प्रूव हो रहा है, हम स्पाइन के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जहाँ से 90% केसेस में पेन ओरिजिनेट होता है, और विथ आवर न्यूअर मोडालिटीज ऑफ MRI स्कैनिंग एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस, हम इन पॉइंट्स को रेडियोलॉजिकली लोकेट भी कर सकते हैं। ओके, और इसकी सहायता से हम उन जगह पर कुछ इंजेक्शन या कुछ ड्रग्स पहुंचा सकते हैं जो उस लोकल प्रॉब्लम को ट्रैकल कर सकता है और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ दे सकता है। दैट्स रियली वंडरफुल टू हियर। डॉक्टर साहब, टाइम इज रनिंग आउट, लेकिन जाने के पहले एक वो स्पेशल मैसेज जो आप हमेशा देते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। फ्रेंड्स, आई वुड ओनली लाइक टू टेल यू, टेक केयर ऑफ योर बैक, डोंट इग्नोर, see a doctor, the treatment is simple and nothing will stop you from living a 100% life. Dr. Mutha, thank you so much, because aaj ke is episode mein humne ek bahut hi important cheez touch ki hai, that is post delivery, you know a lady really needs to take care of the back, kyunki un 3 mahino mein decide hota hai ki jeevan bhar hamare back ki health kaisi rahegi. Thank you so much for coming on our show. Thank you Ankita ji. Like, share, subscribe for more such informative videos.